सागर धनखड़ हत्याकांड के बाद सभी लोग परेशान हैं। सुशील कुमार पहलवान के परिवार से लेकर सागर धनखड़ के परिवार तक सब परेशान हैं। लेकिन इसी बीच कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ये दावा कर रही हैं कि सुशील कुमार पहलवान के गढ़ यानी कि छत्रसाल स्टेडियम में जब सागर धनखड़ के परिवार के कुछ लोग वहाँ पहलवानों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे तो उन सभी पहलवानों ने बताया कि 2014 के बाद यहाँ पर काफी कुछ बदल गया था, खासतौर से जब सुशील कुमार के हाथ में दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम की सत्ता आई। मीडिया रिपोर्ट में यह दावा किया जा रहा है कि जो लोग दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में रहा करते थे पहलवानी के गुर सीखने के लिए, यहाँ पर उन्होंने साफ तौर से कहा है कि सुशील कुमार पहलवान कभी कभी अचानक शराब के नशे में आते थे और उनके साथ कुछ बाहरी लोग भी हुआ करते थे। इस दौरान वो हवा में फायरिंग करके अपने दहशत फैलाने का काम किया करते थे। इस बात पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है क्योंकि सुशील कुमार के बारे में कहा जाता है कि सुशील कुमार पहलवान ने शराब का विज्ञापन इसलिए नहीं किया क्योंकि इससे युवाओं के जीवन पर बुरा असर पड़ता है और इसीलिए उन्होंने लिकर का ऐड तक नहीं किया। ऐसे में जो मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि सुशील कुमार पहलवान शराब के नशे में छत्रसाल स्टेडियम में फायरिंग करते थे, इन बातों में कितनी सच्चाई है इस बात की प्रमाणिकता अभी नहीं हुई है। लेकिन मीडिया रिपोर्ट के हवाले से अगर हम आपको बताएं तो मीडिया रिपोर्ट में लगातार ये दावा किया जा रहा है कि उसे शस्त्र लाइसेंस मिला हुआ था और बिना किसी वजह से हवा में फायरिंग कर लोगों पर वो धौंस जमाने की कोशिश किया करता था। इस दौरान वो बहस करता और पूरा नशे में होता था। छत्रसाल स्टेडियम में ये सब अक्सर हुआ करता था। ये बातें मीडिया रिपोर्ट में दावा की जा रही है। जो लोग सुशील कुमार पहलवान के इस प्रस्ताव का विरोध करते थे वो सुशील कुमार के गुस्से का शिकार हो जाते थे और या तो उन्हें स्टेडियम छोड़ना पड़ता था या फिर सुशील के गुस्से का शिकार होना पड़ता था। और सागर भी कहा जाता है कि सुशील कुमार के इसी बातों का विरोध किया करता था और फिर एक दिन सुशील कुमार पहलवान के गुस्से का सागर धनखड़ शिकार हो गया और उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। इन सब बातों में कितनी सच्चाई है, इन मीडिया रिपोर्ट्स में कितनी सच्चाई है, इनके दावों में कितना दम है, ये जांच का विषय है। लेकिन जहां तक हमें मालूम चला है सुशील कुमार पहलवान को जब शराब का विज्ञापन मिला तो उन्होंने लाखों का विज्ञापन ये कहकर ठुकरा दिया कि वो ऐसे किसी चीज का विज्ञापन नहीं करेंगे जो हमारे देश के युवाओं को नुकसान पहुंचाए। ऐसे में इन मीडिया रिपोर्ट की जांच होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसे ही खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मीडिया न्यूज। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाइए मीडिया न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।